बीते वरे रोटी रोजी कमाउन गए लगभग 39 भारतीयों के लापता होने के मामले च एक नवा मोड़ आया। इराक तो बच के वापस आए नौजवान हरजीत मसीह जो दावा करता आ रहा है कि सारे 39 भारतीयों उस दी अखां दे सामने मौत दे घाट उतार दिता गया, उसनू अज पुलिस वालों धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुताबक उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटरनल अफेयर नू गुरपिंदर कौर वालों दी गई शिकायत की जांच करने के हुक्म मिले सन, जिसते उन्होंने वालों जांच तो बाद दो लोगों खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिन्हों विचों हरजीत मसीह नू गिरफ्तार किया गया है, जबकि राजबीर सिंह फरार है। एक्सटर्नल अफेयर से हमें एक लेटर सीनियर ऑफिसर की तरफ से आई, हमें उस पर हमने जो उसमें कंप्लेंटेड है गुरपिंदर कौर, उसकी कंप्लेंट पे हमने उसको बुलाया और स्टेटमेंट उनकी पे हमने जो केस रजिस्टर किया है 17 FIR नंबर, उसमें जो अंडर सेक्शन 420 406 370 एंड उसमें हमने इमिग्रेशन एक्ट के तहत हमने केस रजिस्टर किया है, उसमें जो उसने कंप्लेंट किया है भी मेरा भाई पहले ये दो एजेंट हैं और हरजीत मसीह और उसका जो फुफड़ है वो दोनों एजेंट मिलके ये काम करते हैं, उन्होंने पहले तो वापस आ गया वो 14 में, उसके बाद फिर वो उन्हीं ने भेजा है, उसके साथ हरजीत मसीह भी क्या है बात, उसके हमने ऊपर जो उसने स्टेटमेंट दी है हमने केस रजिस्टर कर दिया, उसमें हमने हरजीत मसीह को अरेस्ट कर लिया, दूसरा जो अक्यूज्ड है उसको हम जल्दी अरेस्ट कर लिया। गुरपिंदर कौर ने शिकायत की थी कि हरजीत मसीह अते राजबीर ने उसके भरा मनजिंदर सिंह अते उसके नाल होर 8 लोगों नू धोखे नाल इराक भेजा सी। गुरदासपुर तो सुखदेव सिंह, खबर हरपल इंडिया ले।